Hey everyone, this is Nushat and you are watching NK Educare. बच्चों, you know last class में हमने देखा introduction of exercise 14.3. From today onwards, we will be doing exercise 14.3. आज से हम exercise 14.3 question solve करेंगे बच्चों. सबसे पहले देखते हैं question number 1 क्या कहता है. चलिए पढ़ लेते हैं question को. A survey conducted by an organization for the cause of illness and death among the women between the age of 15 to 44 years, means 44 in years, worldwide, found the following figures in percentages. ये सारे, this is data. Causes है, serial number, causes, female fatality rate in percentages. Okay? अब you know, total 3 part है, इस question में total 3 part है. Question number 1 का total 3 part है. First part कहता है बच्चों, represent the information given above graphically. हमें इसे graphically represent करने हैं. ओके सेकंड कहते हैं विच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ वुमेन्स हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड. कौन सी कंडीशन की वजह से मींस कौन सी कंडीशन है जो मेजर कॉज है किसी वुमेन्स की डेथ और मींस हेल्थ वुमेन्स की हेल्थ एंड डेथ की वर्ल्ड वाइड बेसिस पे. थर्ड में कहते हैं ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एनी टू फैक्टर्स विच प्ले मेजर रोल इन द कॉज इन अबव बींग द मेजर कॉज. तो सर्वे में पाया गया कि डैट कॉजेज एंड फीमेल फर्टिलिटी रेट परसेंटेज गिवेन है. कॉजेज है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन की रिप्रोडक्शन की वजह से ज़्यादातर वुमेन की डेथ होती है, दैट इज 31.8. सेकेंड इज न्यूरोसाइकाइट्रिक कंडीशन, दिल यानी दिमागी प्रॉब्लम, माइंड की अगर कोई प्रॉब्लम आया तो उसकी वजह से होती है 25.4% डेथ. और इंजुरीज चोट वोट की वजह से होती है 12.4. कार्डियो की वजह से कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन, दिल की बीमारी से 4.3% डेथ होती है. रेस्पिरेटरी कंडीशन, सांस से जो रिलेटेड बीमारियां होती हैं. अदर कॉजेज, और भी दूसरे कॉजेज की वजह से 22.0% की वीमेन की डेथ होती है. ओके नो है टेलिंग. और फर्स्ट टोटल 3 पार्ट है, हमने देखा टोटल 3 पार्ट है. फर्स्ट पार्ट कहता है कि हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने हैं इसे, इस डेटा को. सेकेंड पार्ट कहता है कि क्या मेजर कॉजेज हैं वीमेन्स की हेल्थ की, जो इल हेल्थ है, ख़राब हेल्थ होती है, उनकी रीज़न क्या है. और मीन्स जो डेथ होती है वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में जो वुमेन्स की डेथ होती है उसका मेन कॉज क्या है, मेजर कॉज क्या है बच्चों. ओके सो हमें रिटर्न करने हैं वो दो फैक्टर्स जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती हैं, मेजर डेथ होती है वुमेन में, उसे हमें बताने हैं उसके कॉजेज. ओके टू मेजर कॉजेज. अंडरस्टूड बच्चों, समझ में आ गया. अब हम इसे सोल्व करेंगे ग्राफिकली. फर्स्ट में क्या रहना कि हमें ग्राफिकली शो करना है, तो इसे हम बार ग्राफ में सोल्व करेंगे बच्चों. ओके बहुत ईजी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये. ओके और मार्क गेनिंग भी है. ओके मार्क्स अच्छे मिलेंगे आपको. सो चलिए देखते हैं, कर लेते हैं कैसे करते हैं. मैं आपके लिए पहले से ही यू नो ड्रॉ कर रखी हूँ. मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, हमने देखा यहाँ से जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ओके ओ एक्स, दिस इज एक्स एक्सिस. और वहाँ वही दूसरी तरफ से है ओ वाई. यू कैन सी हियर, यहाँ से यहाँ देख सकते हैं ओ वाई, दिस इज वाई एक्सिस. ओके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम ड्रॉ करेंगे, गेटिंग इट. उसके बाद हम देखेंगे सबसे पहले कि रेट क्या है, 31 या 32 तक लेने होंगे ओके नंबर इसमें. तो जस्ट लुक हियर, 31.8 है, मींस अप्रोक्स 32 है राइट. तो हमें क्या करते हैं, हम कैसे ले नंबर को हम कैसे रिटर्न करेंगे वाई एक्सिस पे. हम इसे वाई एक्सिस फीमेल फर्टिलिटी रेट को, परसेंटेज को, जो भी फ्रिक्वेंसीज आती हैं ओके उसे हम रिटर्न करते हैं वाई एक्सिस पे. ओके और कॉजेज को हम रिटर्न करेंगे एक्स एक्सिस पे. यू कैन सी हियर बच्चों, कॉजेज को रिटर्न करेंगे एक्स एक्सिस पे और फीमेल फर्टिलिटी रेट जो परसेंटेज में गिवन है ओके इसे हम करेंगे वाई एक्सिस पे. अंडरस्टूड. अब हम मार्किंग कैसे करें, मींस कैसे नंबर कैसे लें, हम बॉक्सेस को कैसे लें. ओके ये जो नंबरिंग है कितने कितने के नंबर हमें लेना होगा, वन बॉक्स कितने के बराबर होगा. देन यू कैन सी हमारा टोटल 31.8 है और मींस अप्रोक्स 32. सो हम क्या करते हैं यू नो 22 लेते हैं, 22% का वन बॉक्स लेते हैं. वन बॉक्स इक्वल टू 2%, वन बॉक्स इक्वल टू 2%, 2, 0, 2, 4, 6, 8, 10 यहाँ से देखते हैं 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 till 32. कहाँ तक करेंगे बच्चों, 32 तक हम यहाँ पे कर लेंगे. उसके बाद हमें लेना है वन बॉक्स कितने के बराबर हमने लिया, वन बॉक्स इज इक्वल टू कितने, वन बॉक्स इज इक्वल टू 2%. एक बॉक्स के टोटल कितने पार्ट होते हैं, 10 पार्ट, ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ओके एक बॉक्स में टोटल मींस वन बॉक्स में टोटल 10
मिनी मीन्स लाइन्स होते हैं, मीन्स वन बॉक्स को, वन स्क्वायर यूनिट को हमने डिवाइड करने हैं 10 पार्ट्स में. तो वन जो हमारी लाइन होती है, वन लाइन की कितनी वैल्यू होगी? वन बॉक्स हमने ले लिया, वन कंप्लीट स्क्वायर अगर हम लेते हैं 2% है, देन वन की कितनी वैल्यू होगी, एक लाइन की कितनी वैल्यू होगी? देन टोटल कितने हैं हमारे पास? 10 है. ये टोटल 10 होते हैं, वन बॉक्स में कितने होते हैं? 10. जस्ट लुक हियर, 10, यू नो 10 लाइन्स इज इक्वल टू 2%, 10 लाइन्स इज इक्वल टू 2%, 10 लाइन्स हमारे 2% के बराबर है बच्चों, राइट? सो मींस 10 यूनिट आप उसे कह सकते हैं, 10 यूनिट, क्योंकि हमने देखा वन बॉक्स को 10 यूनिट में डिवाइड करते हैं बच्चों. तो 10 इन यूनिट इज इक्वल टू व्हाट? 2%. देन वन यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 यूनिट की वैल्यू अगर 2% है, देन वन यूनिट इज इक्वल टू व्हाट? 2/10%, 2/10%, देन दैट विल बी 0.2%. वन यूनिट मीन्स टोटल 10 पार्ट है, एक बॉक्स के अंदर टोटल 10 पार्ट्स है, वन पार्ट की वैल्यू हो जाती है 0.2% बच्चों. अंडरस्टूड? सो टोटल हम इस तरह से ड्रा करते हैं, ओके, 0 से लेकर 38 तक हमारी नंबरिंग हो गई बच्चों, 32 तक, 0 से 32 तक हमारी नंबरिंग है, क्योंकि 31.8 हमारे लास्ट है. सो हमने 32 तक इसे ड्रा करने हैं. अब हम क्या करें, कैसे करें? यू नो फर्स्ट को हम देखते हैं द रिप्रोडक्टिव हेल्थनेस. अगर हम फर्स्ट को ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या शो कर रहा है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन 31.8. रिप्रोडक्टिव हेल्थ की वजह से कितनी वीमेन की डेथ होती है? फर्टिलिटी रेट कितनी है? 31.8. हम कैसे 31.8 इस पर डिनोट करें? क्वेश्चन आता है हमारे माइंड में, क्वेश्चन आएगा कि हम कैसे 31.8 को डिनोट करें बच्चों. देन जस्ट यू लुक हियर, यहाँ से जाएंगे 2, 4, 6 से 32 का है, यहाँ पे 31 का है बच्चों, 32 के जस्ट वन बिफोर हमने देखा कि वन हमारे पास जो वन यूनिट है वो कितने के परसेंटेज के बराबर है? 0.2% के बराबर. ओके, तो जस्ट लुक हियर, 32 में अगर हम 0.2% माइनस कर देते हैं, ओके, तो हमारा 31.8 हो जाएगा. कितना हो जाएगा? 31.8. मीन्स क्योंकि 2% 0.2% अगर कंप्लीट हमारे पास मिल जाती है तो 32 हो जाएगा, 32%, लेकिन हमारे पास है 31.8%. कितनी है बच्चों? 31.8%. और हमें पता है कि वन यूनिट 0.2% के बराबर है. तो हम क्या करेंगे, 32 से 1 यूनिट अगर हम बिलो लेते हैं तो हमारा 31.8 मिल जाता है. कितना मिल जाएगा? 31.8. सो यहाँ पे 31.8 हम मार्क करेंगे और इस तरह से बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक स्केल की हेल्प से हम यहाँ तक ड्रॉ करेंगे, यहाँ तक. सिमिलरली यहाँ से हम पॉइंट को लेंगे और स्केल की हेल्प से हम यहाँ तक ड्रॉ करेंगे और फर्स्ट में रिटेन करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस. नाउ सेकेंड क्या कहता है? सेकेंड में कितनी है, सेकेंड की फर्टिलिटी रेट क्या है? सेकेंड इज न्यूरोसाइकाइट्रिक कंडीशन. सेकेंड क्या है बच्चों? न्यूरोसाइकाइट्रिक कंडीशन. न्यूरोसाइकाइट्रिक कंडीशन की वजह से कितनी वुमेन की डेथ होती है? देन 25.4. फर्टिलिटी रेट क्या है न्यूरोसाइकाइट्रिक की वजह से? 25.4. तो 25.4 कैसे ली? 25 तो यस वी कैन सी 25 तो हम कर सकते हैं क्योंकि हमने 22 के लिए है बच्चों. तो 24 यहाँ पे देख सकते हैं, 24 और 26 के बीच में आता है क्या? 25. यहाँ पे हमारा हो जाएगा 25. क्या हो जाएगा? 25. हाँ, और हमें ध्यान रखना है कि हमें एक एक यूनिट को छोड़ते हुए चलना है बच्चों, एक एक बॉक्स को छोड़ते हुए चलना है. वन बार अगर हम ड्रा कर रहे हैं तो वन बार के बाद हमें एक गैप देनी है एक बॉक्स की, ये ठीक है ना? दिस इज बार ग्राफ, ये बार ग्राफ है. अब हम देखेंगे न्यूरोसाइकाइट्रिक कंडीशन की वजह से 25.4% वीमेन की डेथ होती है. सो 25 यहाँ पे आता है 25 और कितनी है 25.4%. हमने देखा वन यूनिट बॉक्स मीन्स वन यूनिट कितने के बराबर होती है बच्चों? 0.2%. तो टू यूनिट कितने के बराबर होगी? टू यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी बच्चों? 0.4%. हमें मिल गया 25.4. इट मीन्स 25 हमारा आता है इसका मिड में, दिस इज 25, और 25 से दो बॉक्स हमें और ऊपर लेने होंगी, दो बॉक्स, क्योंकि वन बॉक्स 0.2 हो गया 25.2, लेकिन हमें लेना है 25.4. सो टू यूनिट हम और ले लेंगे, ओके, 25 से दो बॉक्स और, मीन्स 2.5.4 यहाँ पे आएगा बच्चों. ओके, अब यहाँ से हम ड्रा करेंगे स्केल की हेल्प से यहाँ तक, सिमिलरली इस एंड से ड्रा करेंगे यहाँ तक. अंडरस्टूड? ये हो गया न्यूरोसाइकाइट्रिक कंडीशंस और रिटर्न करेंगे न्यूरोसाइकाइट्रिक कंडीशन. थर्ड में हम देखेंगे, थर्ड में क्या है बच्चों? थर्ड कंडीशन में होती है इंजुरीज. इंजुरीज की वजह से कितनी डेथ है? 12.4. 12.4% फैटलिटी रेट है वुमेन में इंजुरीज की वजह से. अब हम लेंगे इंजुरीज में कितनी है,
12.4 इंजुरीज 12.4 12 देखेंगे सबसे पहले 12 का है बच्चों या ध्यान से देखेंगे दिस इज 12 ये 12 है बच्चों अगर हम ध्यान से देखें तो दिस इज 12 ये 12 है लेकिन हमें कितनी लेनी है 12.4 और हमने देखा 1 यूनिट बॉक्स 0.2 के बराबर है अगर हम 2 यूनिट बॉक्स लेंगे तो 12.4 हो जाएगा सो हम 12 से 2 यूनिट बॉक्स ऊपर लेते हैं 2 यूनिट बॉक्स ऊपर लेंगे ओके देन हो जाएगा 12.4 ओके यहाँ पे मार्क करेंगे 1 एंड से हम ड्रा करेंगे यहाँ तक राइट सेकेंड एंड से ड्रा करेंगे यहाँ तक बॉक्स कंप्लीट और हम रिटर्न करेंगे इंजुरीज क्या रिटर्न करेंगे बच्चों इंजुरीज थर्ड हो गया 1, 2, 3 विल राइट ऑन हियर 1, 2, 3 कंप्लीट नाउ हमारा फोर्थ कंडीशन की जो डेट मीन्स फीमेल फर्टिलिटी रेट है फोर्थ कॉज जो है दैट इज कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस है बच्चों कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन के वजह से 4.3 फीमेल फर्टिलिटी रेट आती है रिकॉर्ड किया गया है 4.3 बच्चों 4.3 फोर कहाँ है फोर यहाँ है ओके अब जस्ट लुक हियर फोर यहाँ है और हमने देखा कि वन यूनिट कितने के बराबर है कितने परसेंटेज 0.2% और टू यूनिट कितने के बराबर है 0.4% लेकिन ये फोर से कम है क्योंकि हमारा पास यहाँ पास कितनी है 4.3 हमने देखा 1 यूनिट बॉक्स 0.2% के बराबर है 2 यूनिट बॉक्स 0.4% के बराबर है सो यहाँ पे 4 से भी कम है इट मीन्स 3 हमारा या कैसे करेंगे 3 बच्चों तो सबसे पहले हम देखेंगे 4 का है 4 ले लिया 1 यूनिट बॉक्स लेने पे हमें मिलती है 4.2 ओके अगर हम नेक्स्ट वाले क्या करेंगे नेक्स्ट यूनिट बॉक्स जो है हम दो सेकेंड वाले को हम कंप्लीट नहीं लेंगे बच्चों सेकेंड वाले को हाफ करेंगे सेकेंड वाले को क्या करेंगे हम हाफ फर्स्ट कंप्लीट लेंगे और सेकेंड का हाफ कर देंगे बहुत ही मीन्स माइनर होगी डिफरेंस ओके टू बॉक्स कंप्लीट हमें नहीं लेने हैं 1.5 बॉक्स लेने हैं कितने 1.5 बॉक्स यहाँ 4 ले लिया 4 के बाद एक बॉक्स कंप्लीट और दूसरे बॉक्स की हाफ ये हमारी हो जाएगी 4.3 अब यहाँ से एक एंड और दो एंड 1 एंड से यहाँ ड्रा करेंगे अदर एंड से यहाँ ड्रा करेंगे और रीज़न देंगे बच्चों कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन की वजह से कितनी परसेंटेज वीमेन की फर्टिलिटी रेट है देन दैट इज 4.3 नेक्स्ट इज बच्चों नेक्स्ट क्या है हमारी रेस्पिरेटरी कंडीशंस मीन्स सांस से रिलेटेड बीमारी की वजह से कितनी डेथ होती है 4.1 फोर तो हमें मिल गया कंप्लीट यस फोर वी हैव गॉट हियर फोर कंप्लीट है लेकिन 4.02 नहीं है 4.2 नहीं है बच्चों 4.1 है मीन्स कंप्लीट एक बॉक्स 4 ले लिया और 4 लेने के बाद एक बॉक्स भी हमें कंप्लीट नहीं लेनी है एक बॉक्स की हाफ करने होंगे क्योंकि हमें पता है 1 यूनिट 0.2% के बराबर है लेकिन ये 0.2% नहीं है 0.1% है सो 4.1 करने के लिए हम 4 लेंगे और 1 बॉक्स का जो हमारा आता है उसका हाफ करेंगे 4.1 हो जाएगा 4.1 और यहाँ से इस एंड तक ड्रा करेंगे और इस एंड तक ड्रा करेंगे और हम रिटर्न करेंगे रेस्पिरेटरी कंडीशंस कॉजेज क्या है रेस्पिरेटरी कंडीशन की वजह से 4.1% फीमेल फर्टिलिटी रेट आती है अंडरस्टूड बच्चों नाउ नेक्स्ट इज द लास्ट कॉज इज अदर कॉजेज और दूसरी कॉजेज की वजह से कितनी फर्टिलिटी रेट है 22.0 मीन्स ऑलमोस्ट 22 सो यहाँ पे आता है बच्चों 22 सो 22 को हम यहाँ पे इसके सामने जस्ट इसके सामने करेंगे 22 मार्क करेंगे हेयर एंड हेयर ओके 22 1 पॉइंट्स लेकर यहाँ तक हम ड्रा करेंगे स्केल की हेल्प से स्ट्रेट लाइन फिर अदर एंड से हम ड्रा करेंगे यहाँ से यहाँ तक की स्ट्रेट लाइन और रिटर्न करेंगे बच्चों अदर कॉजेज ये सारे कॉजेज आ गए एक्स एक्सिस पे क्या आ गए कॉजेज और वाई एक्सिस पे क्या है फीमेल फर्टिलिटी रेट इन परसेंटेज ओके नौ बच्चों अब सेकेंड पार्ट क्या कहते हैं सेकेंड पार्ट कहता है बच्चों विच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ वुमेन्स हेल्थ किस कंडीशन की वजह से वीमेन की ज़्यादातर हेल्थ खराब होती है इल हेल्थ होती है और एंड डेथ वर्ल्ड वाइड और इसी की वजह से मीन्स जो रीज़न है गिवन है हमारे ओके किस कॉज की वजह से पूरी वीमेन की वर्ल्ड वाइड पे ज़्यादा डेथ होती है ओके जस्ट लुक हियर बच्चों आई हैव डन फॉर यू यू कैन सी अगर हम बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे सबसे पहले हमें यहाँ देखना होगा यहाँ पे रीज़न देखेंगे किस कॉज की वजह से किस रीज़न की वजह से
कि फीमेल फर्टिलिटी रेट सबसे ज़्यादा होती है। तो हमने देखा रिप्रोडक्टिव, क्योंकि रिप्रोडक्टिव की वजह से 31.8 वीमेन की डेथ होती है, मीन्स फीमेल फर्टिलिटी रेट 31.8 है। और अदर क्या है बच्चों, 25.4 वॉट एवर, मीन्स अपन मेजर कॉज क्या हो रहा है, 31 रिप्रोडक्टिव हेल्थ है और न्यूरोसाइकियाट्रिक कंडीशन है, राइट। मीन्स मेन हमारा जो मेजर है दैट इज रिप्रोडक्टिव, मेजर इज रिप्रोडक्टिव। सो बच्चों हम आंसर इस तरह से रिटर्न करेंगे बच्चों, यू विल राइट डाउन हियर लाइक दिस। हाँ क्वेश्चन कह रहा है विच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ वीमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड, कौन सी कंडीशन की वजह से वीमेन में मेजर कॉज होती है हेल्थ की, इल हेल्थ की और डेथ की। ओके, मीन्स व्हाट इज द मेजर कॉज ऑफ वीमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में वीमेन्स की डेथ जो होती है वर्ल्ड वाइड पे, ओके, किस रीजन की वजह से होती है या फिर हेल्थ खराब रहती है वीमेन के दिन किस रीजन की वजह से होते हैं, किस कॉज की वजह से। तो हमने देखा बच्चों रिप्रोडक्टिव, ओके, सो वी विल राइट डाउन रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ वीमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। ओके, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन की वजह से वीमेन्स की जो हेल्थ होती है वो इल होती है और पूरे वर्ल्ड वाइड पे इनकी डेथ ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। नाउ थर्ड पार्ट कहता है हमें कि जस्ट यू नो एनी टू फैक्टर, हमें लिखने हैं एनी टू फैक्टर विच प्ले अ मेजर रोल इन द कॉज। ये कौन कौन से दो फैक्टर हैं जिसकी वजह से ये मेजर रोल प्ले करते हैं, जिनकी वजह से आखिर ये कंडीशन आती है कि उनकी हेल्थ मीन्स उनकी डेथ होती है वर्ल्ड वाइड बेसिस पे ज़्यादा डेथ होती है। तो ये जो रीज़न है रिप्रोडक्टिव, ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन जो होती है, ओके, जिसकी वजह से वुमेन की ज़्यादा डेथ होती है, तो ये क्यों होती है, क्या रीज़न है, कौन कौन से दो फैक्टर हैं जिनकी वजह से ये ऐसी प्रॉब्लम आती है। देन बच्चों यू कैन सी हियर टू फैक्टर्स विच प्ले अ मेजर रोल इन द कॉज, दो फैक्टर्स जो मेजर रोल प्ले करती हैं इनकी वजह से रिप्रोडक्टिव हेल्थ की वजह से जो डेथ होती है, दैट इज़ लैक ऑफ प्रॉपर डाइट, सही ढंग से मीन्स एक जो प्रेगनेंट लेडीज होती हैं या फिर आफ्टर डिलीवरी मीन्स आफ्टर गिविंग मीन्स प्री प्रेगनेंसी एंड पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद उन्हें प्रॉपर डाइट नहीं मिलती बिकॉज ऑफ दैट, ओके, लैक ऑफ प्रॉपर डाइट, ओके, दिस कॉजेज, अगर ये कॉजेज होती है, ये फैक्टर प्ले करती है, लैक ऑफ प्रॉपर डाइट दिस इज द मेजर कॉज एंड लैक ऑफ एडवाइज एक्सरसाइज, और जितनी एक्सरसाइज बताई जाती है ओके वुमेन को करने के लिए, एटलीस्ट थोड़ी बहुत भी एक्सरसाइज करें, ओके, तो लैक ऑफ एक्सरसाइजेज की वजह से भी इनकी डेथ होती है। ओके, सो लैक ऑफ प्रॉपर डाइट एंड लैक ऑफ एडवाइज एक्सरसाइज आर द मेजर टू फैक्टर्स, ये दो फैक्टर्स हैं विच प्ले अ मेजर कॉज इन दीज रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन की वजह से जो वुमेन्स की डेथ होती है वर्ल्ड वाइड, उसके दो फैक्टर्स हैं बच्चों, लैक ऑफ प्रॉपर डाइट एंड लैक ऑफ एडवाइज्ड एक्सरसाइज। अंडरस्टूड।